नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा में शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने एक ऑफिस में सेंध मारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने ऑफिस की तिजोरी को तोड़कर उसमें रखे नगदी उड़ा लिया है। इस संबंध में पीड़ित बरगंडा निवासी राजेश अग्रवाल ने एसपी एवं नगर थाना को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित राजेश अग्रवाल ने बताया कि बरगंडा में उनका फर्नीचर वर्क से संबंधित ऑफिस है। शनिवार की रात वह ऑफिस बंद कर बरगंडा स्थित अपने आवास चले गए। रविवार की सुबह जब वह ऑफिस पहुंचे तो देखा कि तिजोरी खुला पड़ा है और उसमें रखा 10,500 रुपए गायब है। उन्होंने जब ऑफिस के अंदर छानबीन की तो पाया कि छत का सीलिंग कटा हुआ है और वेंटिलेटर भी टूटा हुआ है। उन्होंने बताया कि चोर पीछे के हिस्से से सीढ़ी के सहारे वेंटिलेटर को काट कर अंदर प्रवेश किए और छत का सीलिंग काट कर रूम में घुसकर घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के द्वारा घटना को अंजाम देने की बात बताई है और पूर्व में भी ऑफिस में चोरी होने की बात कही है। जब मैं शटर खोल के अंदर देखा तो मैंने देखा ऑफिस का सारा सामान बिखरा हुआ है और तिजोरी मेरी खुली हुई है। उसमें करीब 10,500 रुपये नकद रखा हुआ था जो कि गायब है, चोरी हो गया। और अंदर आके देखा कि फॉल्स सीलिंग में सेंध मारा हुआ है और सेंध मार के चोर लोग रात को अंदर घुसे हैं। उसके बाद मैं अपने मकान में पीछे तरफ गया तो मैंने देखा कि सीढ़ी लगा कर उन्होंने वेंटिलेटर काट के मेरी ऑफिस में घुसे हैं। मेरे ऑफिस में रेगुलर चोरी वो लोग करते रहते हैं। पहले भी कई बार चोरी हो चुकी है, वर्ष 2016 में भी चोरी हुई थी जिसकी मैंने थाना में खबर किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। ना इस रोड में रात को पेट्रोलिंग होती है, एकदम चोर लोग एकदम ये बोल्ड हो गए हैं। उन लोग लगता है कि हम लोग को कोई कुछ करने वाला नहीं है और लोग अपना आराम से चोरी करके चोरी को अंजाम देता है।